Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो जिसने ये सुंदर अवसर हम सबों को दिया कि हम एक बार फिर से प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिया है कि प्रभु जी हम तुझ में आगे को बढ़ सकें और तेरे नाम की महिमा कर सकें। जब हम सातों कलीसियाओं के ऊपर प्रभु जी स्टडी कर रहे हैं, तेरी आत्मा की परिपूर्णता दे, हमारे ज्ञानों को बुद्धियों को खोल दे ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सकें और उस पर चलने की चेष्टा कर सकें। कल के पवित्र दिन के लिए हम सबों को तैयार कर ताकि हम तेरे भवन में जाएं तो डरते और कांपते हुए तेरी महिमा कर सकें। हमारी विनती प्रार्थना है भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए, उनके लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, उस पर आपकी आशीष का हाथ हो ताकि जो भी वचन बीच का यहाँ बोया जाए वो मेरी ओर से नहीं बल्कि तेरी आत्मा की अगुवाई में हो, वो लोगों के हृदयों में बैठ जाए और प्रभु जी सौ गुना फल लाए। जितने ऑनलाइन जुड़ते हैं या जुड़ेंगे प्रभु जी उन सबों को आशीषित कर और हमें तेरी गूढ़ बातों को समझने का ज्ञान दे। इस संपूर्ण ऑनलाइन सर्विस को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया था यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका एक अध्याय और 9 से 9 पद में आपके लिए पढ़ूंगा, जबकि टेक्स्ट में 9 से 18 दिया जाए, केवल 9 पद। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण पत्मुस नामक टापू में था। पत्मुस नामक टापू में था। प्रियो, मैं आपको सात कलीसियाओं के बारे में बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश उन सात कलीसियाओं के लिए क्या है। पिछली बार हमने इफिसस की कलीसिया को देखा, लेकिन आज उससे पहले कि मैं अगली कलीसिया में जाऊं, परमेश्वर की आत्मा अगुवाई कर रही है कि मैं आपको पत्मस टापू के बारे में शिक्षित कर दूं जहां पर यूहन्ना रखा गया था। एक बार बाइबल कॉलेज में संदेश शास्त्र की कक्षा चल रही थी, शिक्षक काफी गंभीरता से पढ़ा रहे थे, अंतिम निर्देशों का समय आ गया था क्योंकि अध्ययन का समय समाप्त हो रहा था। समय आ गया था कि छात्र जाएं और परमेश्वर की शिक्षाओं का प्रचार करें जो उन्होंने उन कक्षाओं में सीखा है। वो सुंदराज अनुभवी शिक्षक ने कहा कि जब आप जाकर प्रचार करते हैं तो इस बात को कभी ना भूलना कि जो लोग आपके सामने बैठे हैं या जिनको आप सुसमाचार सुना रहे हैं उन 8 में से 3 ऐसे हैं जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट तो है पर दिल अंदर से टूटे और बिखरे हुए। ऐसे लोगों का प्रतिशत आज संसार में बढ़ता जा रहा है। प्रियो, उनके चेहरे खिले हुए दिखाई तो देते हैं, वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, परंतु मन में पीड़ा की कालिमा छाई हुई है जो किसी से कह नहीं सकते। क्या करें जब हमें लगे कि हम अपनी जिंदगी
मैं बातों के आयामों से किसी न किसी आयाम के समापन पर है। हमें ऐसा लगने लगे कि मानो जिंदगी में अब क्या रह गया है, हम अपने जीवन को समापन के निकट ले आए हैं। जब हमें लगने लगे कि हम टूटते हुए संबंधों के समापन के निकट हैं, बहुत प्रयास कर लिया मगर संबंध है कि टूटते जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये संबंध जुड़ नहीं सकेंगे, क्या करें। जब लगे कि हम अपनी सहनशीलता के समापन पर या समापन के निकट, अपनी सामर्थ्य के समापन के निकट, अपने धैर्य के समापन के निकट, और सहा नहीं जाता, समझ में नहीं आता कि क्या करें, कोई व्यवस्था नहीं बची, कोई संदर्भ नहीं बचे, कोई प्रेरणा बाकी नहीं रही, क्या किया जाए। ऐसे समय में जब पीड़ा की चरम सीमा हो, क्या करें, क्या किया जाए, ये प्रश्न हमारे और आपके जीवन में गूंजता रहता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में इस प्रश्नों से जुड़ी कुछ बातें जिन पर हम आज आपको बाइबल से शिक्षा देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, उन तक पहुंचने के लिए उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में पत्मस टापू का महत्व क्या। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यौन्ना की उम्र जो दर्शन देखता है 95 वर्ष की हो गई है, वो जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला है, उससे प्रेम करता है, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहा है, उसने प्रभु यीशु मसीह के कारण सताव सहा है। अब उसे राजा डोमेशियन के कैद ने कैद कर लिया है। अगर डोमेशियन चाहता तो वह बहुत आसानी से यूहन्ना को मृत्यु दंड दे सकता था। बहुत ध्यान से सुनिए मसीहो, अगर डोमेशियन चाहता जो राजा था तो आसानी से यूहन्ना को मृत्यु दंड दे सकता था, परंतु वो यूहन्ना को आसानी से मरने नहीं देना चाहता। वो चाहता था यूहन्ना को काला पानी दिया जाए, काले पानी की सजा दी जाए और यूहन्ना को पत्मस टापू पर भेज दिया जाता। राजा डोमेशियन रोमी साम्राज्य का 11वां राजा था और 15 वर्षों तक उसने रोमी साम्राज्य पर राज किया। प्रभु यीशु के बाद सन 81 से लेकर 96 तक उसने राज किया। आज भी ये पत्मस टापू मौजूद है। यदि आप दिल्ली से फ्लाइट पकड़े 11 बजे सुबह, एमिरेट एयरलाइंस की फ्लाइट से आपको 12:45 पर दुबई पहुंचती है, 2:40 पर चलेगी तो 5:55 पर तुर्की पहुंच जाती है और उसके बाद आप इस्तांबुल शहर में उतरेंगे, वहां से 3 घंटे की सड़क यात्रा करनी पड़ेगी, उसके बाद 45 मिनट तक छोटे पानी के जहाज में आपको जाना पड़ेगा जिसको फेरी कहा जाता है, और तब आप पत्मस टापू पर पहुंच जाएंगे। यह बताने का संदर्भ मेरा क्या है, उस समय के पत्मस टापू और वर्तमान के पत्मस टापू में बहुत अंतर है। यह टर्की के पश्चिम में है, यह बहुत बड़ा टापू नहीं है, यह तुर्किस्तान के पश्चिमी भाग से लगा हुआ है। इसकी बहुत प्रमुख बात यह है कि यह 1000 फीट ऊंचा बहुत बड़ा पर्वत, उसके ऊपर पेटमेंस स्कूल है जो कि ग्रीक सेमिनरी है,
उस ग्रीक सेमिनरी में स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते। आज 2011 में जब इसकी जनसंख्या जनगणना की गई तब उस समय पद्मश टापू की 2011 में 3044 थी। ये टापू समाचार पत्रों की हेडलाइन सितंबर माह के 2008 में बना। उस टापू में अफगानिस्तान और ईरान के 133 शरणार्थी आए, परंतु जब वे वहां पर पहुंचे तो वहां के अधिकारी नाराज हो गए और उन्हें वहां रहने नहीं दिया। इसलिए ये आज के युग में और फेमस हो गया। इन सब बातों को बताने का उद्देश्य मेरा यह है कि हमारे परमेश्वर का वचन, हमारी बाइबल सच्चाई पर आधारित, उसकी एक एक घटना, उसका एक एक स्थान, उसका एक एक शब्द, उसका एक एक वाक, सब कुछ सच्चा, जिसके जिंदा प्रमाण आज भी हमारे पास है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अंधविश्वास पर नहीं, हमारी मसीहत अंधविश्वास पर नहीं, हमारी बाइबल मनगढ़ंत पर नहीं, परंतु जिंदा विश्वास की चट्टान पर, प्रभु यीशु मसीह की चट्टान पर खड़ी है। और हमारा विश्वास यीशु की चट्टान पर खड़ा है। उस समय तक केवल यूहन्ना जीवित बचा था, बाकी चेलों की हत्याएं कर दी गई थी। राजा डोमेशियन ने कहा कि इसे इतनी आसानी से मत मारो, नहीं तो इसका नाम प्रसिद्ध हो जाएगा, ये हीरो बन जाएगा। कौन? यूहन्ना। इसे हत्यारों के बीच में भेज दो, जहां काले पाने की सजा दी जाती है, जहां टापू में गंभीर अपराधियों, बलात्कारियों, हत्याओं को रखा जाता है। और लोगों को वहां भेजने से पहले बहुत ध्यान से सुनिए, उस पद्मश टापू पर भेजने से पहले उन लोगों को कई प्रकार की यातनाओं से प्रताड़ित किया जाता था। कई लोग तो पहुंचने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होते थे। 95 वर्ष की अवस्था में यूहन्ना को प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं दी जाती है, पद्मश टापू पर भेजने से पहले उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं, घायल किया जाता है और बहुत सीमित कपड़ों में अपराधियों के समान काले पानी भेज दिया जाता है। यूहन्ना अपराधी नहीं था। वहां बहुत ठंड पड़ती थी, कोई कंबल नहीं, कोई गर्म कपड़े नहीं, अच्छा भोजन भी नहीं, बहुत खराब स्थिति थी। जैसे जानवरों को भोजन दिया जाता था, वैसे मनुष्यों को ट्रीट वहां पर किया जाता था। जो कुछ वहां उपलब्ध है उससे कभी पेट भरा कभी नहीं। चारों तरफ अपराधी है और उनके बीच में केवल एक परमेश्वर, त्रिएक ईश्वर पर विश्वास करने वाला यूहन्ना है। न छत है, न भोजन वस्तु है, गर्मी ठंड बरसात सब कुछ सहना है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था। वह एक बहुत धनाढ्य परिवार से था। सुनिए इतिहास यूहन्ना का। वो धनाढ्य अमीर परिवार से था। 3 इलाकों में उसके शानदार घर थे। वो अपने व्यापार को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया था या उसके पीछे हो लिया था। उसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही पैसे वाला था। उसको नाम की चिंता नहीं थी, यहाँ तक कि उसने जो पुस्तक लिखी उसमें लेखक के रूप में उसने अपना नाम नहीं लिखा। उसने अपने लिए बस ये लिखा कि वो चेला जिससे प्रभु यीशु प्रेम रखता था। प्रभु यीशु मसीह उस पर विश्वास करते थे और अपनी माता की जिम्मेदारी उसने यूहन्ना को सौंपी थी। हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र और ये तेरी माता है। प्रश्न मात्र इतना ही नहीं कि क्या यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता था। प्रमुख बात यहां पर यह है कि यीशु मसीह यूहन्ना पर विश्वास रखते थे।
आज सवाल उठता है, क्या यीशु हम पर विश्वास रखते? हमने तो कह दिया हम रखते हैं, क्या हमारा यीशु हम पर विश्वास रखता है? ये व्यक्तिगत विश्वास योग्य बात है। सारे चेले तितर बितर हो गए थे, पत्रस ने झूठ बोल दिया था, जो जीने मरने की कसमें खा रहा था उनकी बातें वायदों तक सीमित रह गई थी, परंतु ये चेला यहां तक खड़ा हुआ है, विश्वास योग है। ये चेला अपनी जान को हथेली पर लेकर क्रूस के पास खड़ा हुआ है। उन दिनों में ये नियम था, यदि आप नियम पढ़े, कि यदि क्रूस पर चढ़ाए हुए व्यक्ति से कोई किसी भी प्रकार से अपनी सद्भावना या सहानुभूति प्रकट करता था तो उसको उसकी भी हत्या कर दी जाती थी या उसे भी क्रूस पर चढ़ा दिया जाता था। तो वो चेला जिसने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा था, वो चेला जो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में निकटतम विश्वास योग्य था, वो चेला जो अंतिम समय में क्रूस के पास प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहा, अपने जीवन के अंत में वो इस प्रकार की पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त करता है। हम सोच सकते हैं कि यदि कोई पीड़ित है, यातनाओं से गुजर रहा है, तो जरूर उसने पाप किए होंगे या कोई गलत काम किए होंगे। ये बात सत्य नहीं है प्रियो। निर्दोषिता के बावजूद अपनी गवाही के कारण यूहन्ना जिन पीड़ाओं को और सताव से गुजर रहा था, मौत से भी बदतर थी, वो हर दिन मृत्यु के प्रक्रिया से गुजर रहा था। हमारे ऊपर थोड़ी सी भी मृत्यु परेशानी आ जाए, सताव आ जाए, हम गिड़गिड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते, कुड़कुड़ाने लगते, यूहन्ना ने ऐसा नहीं किया। आइए हम चार बातों को इस यूहन्ना और पत्मस टापू से जुड़ी ही बातों को अपनी कलीसिया और अपने जीवन में शिक्षा लेंगे, तब आपको कलीसियाओं की बातें जो प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया से कहता है, फिर सुमिरना, फिर के अगली कलीसिया को वो समझ में आएंगी। पहली बात, नवे पद में यूहन्ना पत्मस टापू की कैद में लिखता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मस टापू में हूं। अपनी गलती के कारण जब हम जेल जाते हैं, पीटे जाते हैं अपने स्वार्थ के कारण, तो हम कहते हैं हम मसीह के लिए पिट रहे हैं। क्या हमें नहीं मालूम मसीहत क्या है? क्या हमें नहीं मालूम यीशु के क्रूस की कथा क्या है? क्या हमें नहीं मालूम हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? वो लिखता है कि मैं यहां किसी अपराध के कारण नहीं हूं। वो प्रभु यीशु मसीह के उस दर्शन के बारे में लिख रहा है जो उससे मिलता था, ताकि पढ़ने वाले प्रोत्साहित हो सके। वो कहता है मैं धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं और प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण आज पत्मस टापू पर हूं। वो एक अनजान कलुषित बदनाम से और अंधकार पूर्ण स्थान पर था। कितनी बार हमें अपने जीवन में ऐसा लगता है कि हम जिंदगी के एक अंधकार के स्थान पर पहुंच गए हैं, निर्जन स्थान पर पहुंच गए हैं, हम निराशा की स्थिति में हैं, हम पीड़ा की स्थिति में हैं, असफलता की स्थिति में हैं, अकेलेपन की स्थिति में हैं। जीवन के आनंद और शांति मानो हमारे जीवन और परिवार से चली गई है, हम अनिश्चितता की स्थिति में है, कल हमारा क्या होगा हम नहीं जानते, परंतु इस वचन से हमें प्रेरणा मिलती है कि पत्मस टापू में इन सारी परिस्थितियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का विशेष दर्शन, आनंद और स्वर्ग का दर्शन यूहन्ना को होता। इन परिस्थितियों में निर्जन स्थान पर
इस पीड़ा और यातनाओं से गुजरते हुए जीवन का सबसे आशीषित अवसर यूहन्ना को मिलता। इस पत्मस टापू पर वो यह है कि परमेश्वर का दर्शन उसे मिलता है। उस पीड़ा की स्थिति में उस निर्जन स्थान या स्वर्ग का दर्शन उसको मिलता है। प्रियो, जितना हम अपना क्रूस उठाएंगे, जितना हम प्रभु की गवाही देंगे, जितना यातनाएं और परेशानी हम पर आएंगी, परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमें दर्शन देगा, हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएगा, हमें निडर बनाएगा। उदाहरण देता हूं, उस डाकू को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मिलते हैं जब वो लटकाया हुआ था। पत्रस को प्रभु यीशु मसीह तब मिलते हैं जब समुद्र में तूफान आता है। विधवा माता को प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर के द्वार पर उसके बेटे की शव यात्रा में मिलते हैं। लाजर को प्रभु यीशु मसीह कब्र के अंधकार और दुर्गंध में मिलते हैं। मरियम को प्रभु यीशु मसीह उस अंधकार के धुंधले में मिलते हैं जहां मानो मृत्यु की छाया थी। इसलिए पौलुस कहता है कि जब जब मैं दुर्बल होता हूं, पौलुस कहता है, तब तब प्रभु की सामर्थ मुझ पर प्रकट होती है। जब जब मैं कमजोर होता हूं, प्रभु की शक्ति मुझ पर प्रबल होती है। जब जब हम पत्मस टापू पर होते अपने जीवन के, सुनिए ध्यान से, जब जब हम और आप पत्मस टापू पर होते हैं अपने जीवन में, जब हमारे हृदय टूटे हुए और हमारे मन विचलित होते हैं, तो यह बात निश्चित है कि ऐसे ही स्थान में प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको मिलते हैं और वो हमारे जीवन का सबसे समृद्ध और सबसे पूर्ण अध्याय बन जाता। हो सकता है आप टूटे हुए हो, थके हुए, निराश, अनिश्चितता की स्थिति में हो, अशांति से भरे हो, आपको हमको लगता है कि मानो पराजय हो गई, अब जिंदगी में और क्या रखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आवश्यक कर्म करते हैं। याद करिए, जब आपका उद्धार हुआ वो दिन और वो समय, कैसे आपने उद्धार को प्राप्त किया। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन होता है जब हम अपने जीवन के पड़ाव में पत्मस टापू पर होते हैं। चक कोल्सन, जिन्होंने प्रिजन मिनिस्ट्री स्टार्ट की, अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब वो व्हाइट हाउस में काम करते थे और जब वो वीआईपी थे, जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के राइट हैंड माने जाते थे, उस अधिकार की स्थिति में, उस पैलेस में, उस व्हाइट हाउस में रहते हुए, उस सारे अधिकार का अनुभव करते हुए, उनको प्रभु यीशु का दर्शन नहीं मिला। जब उन्हें जेल में डाल दिया गया, तब उस काल कोठरी में वो प्रभु यीशु का दर्शन पाते हैं, प्रभु का अनुभव उद्धार पाते हैं और प्रिजन मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु ऐसी परिस्थिति में महान काम करते हैं। दूसरी बात, दूसरे दसवें पद में लिखा है, 1:10 में, मैं प्रभु के दिन आत्मा में भर गया। बहुत महत्वपूर्ण बात यूहन्ना ने लिखी है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परंतु परमेश्वर की आत्मा में मैं भर गया हूं। परमेश्वर की आत्मा का एहसास मेरे हृदय में आ गया है, मेरे अनुभव में, मैं उसके एहसास के अनुभव में गोता लगा रहा हूं या डूब गया। क्या अर्थ है इसका? आत्मा से भरने का अर्थ है कि जो ईश्वर दिखाना चाहे उसे हम देख सके, जो ईश्वर सुनाना चाहे उसे हम सुन सके, जो ईश्वर हमसे और आपसे करवाना चाहे वो हम कर सके,
अपने जीवन में हम कर सके कि हमारी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जो यहन्ना कहता है मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आत्मा से भरने का अनुभव हो गया, विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता का जीवन जीते रहे, यही आत्मा से भरने की बात है। संसार की शक्तियां या संसार की पीड़ाएं क्या हमें परमेश्वर से या उसके प्रेम से अलग कर सकती हैं? जब हम प्रभु यीशु में होते हैं तो कोई शक्ति, कोई शासक, कोई राजा, कोई संगठन, कोई डिनोमिनेशन हमारी आत्मा का आनंद और हमारे उद्धार को नहीं छीन सकता। आप घर पर पढ़ लीजिएगा, समय तेजी से जा रहा है। रोमियो की पत्री उसका 35:39-39 वहां लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। हमें कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, ये सारी चीजें वहां लिखी हुई है, पढ़िएगा। काज जब हम कल अपनी आराधना में शामिल होंगे या होते आ रहे हैं तो हम उसके अनुभवों में हम कह सके परमेश्वर की उपस्थिति का, उसके स्पर्श का एहसास हमें हुआ है और आज मैं वास्तव में आत्मा से भर गया हूं। कितने लोग आत्मा में भरकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, कलीसिया में उपस्थित होकर परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो प्रियो हम दयनीय स्थिति में। जब हम उस पत्मुस नामक टापू के पड़ाव में जीवन में प्रवेश करते हैं तो लिखा है, जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे निकट। याकूब की पत्री उसका 1:2 पढ़े। प्रियो दूसरी बात कि यहोन्ना आत्मा से भरा, ऐसे क्लेश में, ऐसे कष्ट में, ऐसी परेशानी में, ऐसी यातनाओं में जहां नींद नहीं आती, जहां कोई बात नहीं करता, तब परमेश्वर की आत्मा हमसे और आपसे बात करती। अरे अकेले में तो जाइए, क्यों लिखा है, जा अपनी कोठरी बंद कर और प्रार्थना कर। तीसरी बात 12-13 में पाते हैं कि जब यहोन्ना को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन होता है तब वो उस प्रभु यीशु मसीह का वर्णन करने का प्रयास करता, जो वर्णन से बाहर फिर भी प्रयास कर रहा। आज जो हमें और आपको उद्धार का अनुभव हुआ, पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ, क्या हम वर्णन कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं? बताइए, वो आनंद, वो खुशी, वो उत्साह, वो उमंग। लिखता है, जिसको चित्रित नहीं किया जा सकता, उसका चित्र बनाने की बात कर रहा है, उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, जिसको भाव में समेटा नहीं जा सकता, वो उसकी बात कर रहा है। लिखता है, मनुष्यों के पुत्र सरीखा एक पुरुष मैंने देखा, वो यीशु मसीह का वर्णन कर रहा है। देखिए 12 में आगे कहता, जो पांव तक वस्त्र पहने हुए था, छाती पर सुनहरा पटका बांधे हुए था, उसके सिर पर बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द जल के शब्द की नाई था, और उसके हाथ में 7 लिए हुए था, और उसके मुख से चौकी दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर कड़ी धूप के समय चमकता है। देखिए कैसा वर्णन कर रहा है,
प्रियो, यूहन्ना ने जब यीशु को देखा तो वो चकित हो गया और लिखता है कि मैं मुर्दा सा उसके पैरों पर गिर गया, यानी दंडवत करने लगा। इसके पहले संभवतः यूहन्ना ने यीशु को क्रूस पर देखा था, उसके हाथ और पांव में कीलों के निशान थे। जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसकी पीठ पर कोड़ों के निशान थे, उसकी पसली में भाले के भेदे जाने के दाग थे। डेढ़ पसली का वो आदमी जिसे लोगों ने कुचल दिया था और समाप्त करने की यीशु की को कोशिश की थी, आज यूहन्ना उस यीशु के प्रताप मसीह की परिपूर्णता को स्वर्ग में देखता है। इसलिए पीड़ा में हमें सदैव पौलुस की इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि आज हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता। अक्सर हमें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, प्रार्थना के या जो हम पूछना चाहते हैं ईश्वर से, ऐसा हमारे साथ क्यों, ऐसी त्रासदी हमारे साथ क्यों, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों, धर्मी क्यों प्रताड़ित किए जाते हैं, अधर्मी क्यों राज करते हैं। बहुत से प्रश्न जिनका उत्तर नहीं, बहुत सी पीड़ाएं जिनको हमें सहना है, जिसका आज तक हम धुंधले में हैं, आज हम स्वर्ग के इस पार है, पृथ्वी पर है। इसलिए दर्पण में हमें धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु अनंत में हमें परिपूर्णता का, परम शांति का, परम आनंद का अनुभव होगा। वो समय आने वाला है प्रियो, जब मृत्यु को निगल लिया जाएगा और हम उस स्थान पर होंगे ना जहां ना धूप होगी, ना तपन होगी, ना अंधकार होगा और ना दुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 1 से 8 पद में वर्णन है, लिखा हुआ है, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोत डालेगा और ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, सारी पहली बातें जाती रहेंगी। उसके बाद लिखा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा है वो कहता है, अल्फा और ओमेगा और अंत में, मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते से पिलाऊंगा, जो जय पाए वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। जय पाए यानी संसार में रहते हुए शैतानी शक्तियों पर, बीमारियों पर, नाना प्रकार की यातनाओं पर हमें जय पाना जरूरी है, चाहे हम मर भी जाएं। और कहता है, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे, पर डरपोकों, अंधविश्वासियों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और झूठों का भाग उस आग की झील में है, जो आग और गंधक से जलती है, ये दूसरी मृत्यु है, ये आत्मिक मृत्यु है। हम मनुष्य संसारिक मृत्यु से डरते, हमें तो आनंदित होना चाहिए जो हम मसीह है, कि हम प्रभु यीशु से मिलेंगे, जिसने प्रतिज्ञा की है, मैं दोबारा तुम्हें लेने आने वाला हूँ, कलीसिया अपने आप को तैयार कर ले जो उसकी दुल्हन है, ताकि जब दूल्हा आए तो हम उससे मुलाकात करें और हम उसके राज में जाए, जहां आनंद ही आनंद है और हम शारीरिक दुख में रोते रहते हैं। धुंधल के का वर्णन हम कर नहीं सकते, ये सब बातें विश्वास से ही संभव। एक कहानी है, सच्ची घटना है,
कि एक परिवार में, एक परिवार था, मसीही परिवार था, जिसके सारे लोग सदस्य विश्वासी थे और उनकी एक बेटी थी। माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। सबने लंबे समय तक उसकी माँ के लिए प्रार्थना किया। ध्यान से सुनिए, ये हमारे और आपके परिवार में भी हो सकता। उस बच्ची ने भी माँ के लिए प्रार्थना की, परंतु इतनी प्रार्थनाओं के, इलाज के बावजूद भी, विश्वासी होने के बावजूद भी उसकी माँ मर गई। वो बच्ची उस समय सब परिस्थितियों में से गुजरी जब उसकी माँ पीड़ा में थी। इस बच्ची ने प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए और अपनी माँ को मृत्यु तक जाते दफनाते हुए देखा, सब कुछ देखा। और फिर उसने अपने पिता से पूछा, ऐसा क्यों? पिता बहुत व्यथित हुआ, दुखी हुआ, क्योंकि वो इस बात का उत्तर नहीं दे पा रहा था। एक दिन वो अपने गाड़ी से यात्रा कर रहा था और बगल से एक ट्रक गुजरा और उस ट्रक की छाया इस कार पर पड़ी, जिस कार से वो जा रहा। तब पिता कहता है अपनी बेटी से, आज मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। जब तुम्हारी माँ मरी थी, तुमने दुआएं की थी, आंसू बहाए थे, नाना प्रकार की समस्याओं और पीड़ाओं को देखा था और वो आंखों के सामने चली गई। उस समय मेरे पास उत्तर नहीं था, लेकिन आज मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा। देखो बेटा, किसी विश्वासी के लिए मृत्यु ऐसी ही है। मृत्यु की छाया से होकर विश्वासी गुजरता है, छाया से होकर हम गुजरे हैं। ट्रक ने हमें कुचला नहीं है, ऐसे ही मृत्यु बर्बाद हमें और तुम्हें नहीं कर सकती, हमें कुचल नहीं सकती। हम मृत्यु की घोर अंधकार की छाया में से होकर गुजरते हैं। मृत्यु किसी विश्वासी को कोई हानि नहीं कर सकती। विश्वासी उस अनंत सुरक्षा में पहुंच जाता है जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे की है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। प्रियो, बहुत कठिन चीज होती है, दर्दनाक चीज होती है, दुख होता है जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, आंसुओं को बहाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जैसा हम उत्तर चाहते हैं वैसा नहीं होता। लिखा, हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, बल्कि हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रचयिता है, उसका रचयिता है। वो हमसे और आपसे अच्छा बेहतर करता है और जानता है। चौथी और अंतिम बात इस पद्मस टापू का अर्थ आज आत्मिक जीवन में हमारे सताव हैं, हमारी पीड़ाएं, हमारी बीमारियां हैं, नाना प्रकार के सताव हैं, जेल खानों में डाला जाना है। जब अपने जीवन के पद्मस टापू पर आ जाते हैं, तब हमारा मिलन प्रभु यीशु से होता है, तब हमें दर्शन मिलता है। अंतिम 16 और 18 पद में लिखता है, और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। मैं कलीसियाओं की बात कर रहा हूं। और उसके मुख से चोखी तलवार निकलती थी और उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता। प्रियो, ये 7 तारे वे लोग हैं, वे नायक हैं, वे अगुए हैं जो प्रकाशित होते हैं, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का
प्रकाश निकलता है, जिनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की गवाही निकलती है, जिनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य निकलती है, जिनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की वो शिक्षाएं प्रदर्शित होती है जो उसने हमें इस बाइबल में दी है, जिनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह स्वयं दिखाई देता, जिनके जीवनों में यीशु की गवाही है, ये परमेश्वर की दृष्टि में सच्चे नायक है। ये फिल्मों के नायक नहीं या उन फिल्मों के नायकों के समान नहीं जो नकली जीवन जीते हैं, नकली वायदे करते हैं, नकली लड़ाइयां लड़ते हैं, नकली घरों को तोड़ते हैं, जो नकली आदर्शों की बात करते हैं और यहां तक कि नकली मौत मरते, परंतु वास्तविकता में ये ऐसे नायक हैं जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। इससे बढ़कर प्रार्थना हमारी क्या हो सकती है कि प्रभु जब मेरा समय पूरा हो जाए तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर मुझे अपने आगोश में ले ले। दाहिना हाथ बढ़ाकर मुझे अपने आगोश में ले ले। आज कई अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने से डरते हैं, प्रार्थना करने से डरते हैं, सुसमाचार सुनाने से डरते हैं, जेल खानों में जाने से डरते हैं, आराधना करने में से डरते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि हम उसके गवाह हैं, हम जो विश्वासी हैं एक दिन हम उसके हाथ में होंगे। He got the whole world in his hand. अभी तो हमें नकारात्मक परिस्थितियों से गुजरना है, इसलिए तो लिखा है तुम इस संसार में तो हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। और उसका दाहिना हाथ हमारे साथ होगा। यदि हम देखें कि ना सिर्फ यूहन्ना ने ही पत्मस टापू में लिखा, यदि आप प्रभु की आशीषों को चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, यदि आप चंगाई का भविष्यवाणी का दान वरदानों को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप को पत्मस टापू में जाना होगा, यीशु का क्रूस उठाना होगा, यातनाओं को सहना होगा। तभी तो यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा। कुछ बातें मैं आपको उदाहरण समेत समझा देना चाहता हूं, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। यूहन्ना ने ही पत्मस टापू में लिखा, क्या लिखा, ये जो उसने दर्शन देखा कि वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, उसने ही दर्शन देखा कि प्रभु यीशु मसीह उससे बातें कर रहा है, अपने तेजस को बता रहा है, अपनी सामर्थ को बता रहा है, जो कलीसियाएं पृथ्वी पर साथ है उनके बारे में वो उन्हें बता रहा है, समझा रहा है, प्रशंसा कर रहा है और बता रहा है उन्होंने क्या क्या गलतियां की है जो हम आगे सीखेंगे। यूहन्ना पत्मस टापू में दुख में है, परेशानी में है, उम्र 95 वर्ष। क्या हम में और आप में है इतनी सहन शक्ति? यूहन्ना को कोड़े मारे गए, नाना प्रकार की यातनाएं 95 उम्र में दी गई, क्या हम जवानी में ले सकते हैं या अभी ले सकते हैं? सोचिए, यह सामर्थ्य तभी आती है जब प्रभु हम में है और हम प्रभु में है। मूसा ने जो बाइबल की 5 पुस्तकें लिखी वे कहां लिखी? वे उसने बयाबान में भटकते हुए लिखी, विल्डरनेस में। इसराइलियों ने जब उस पर दोष लगाया मूसा पर, तब उसने लिखी। अपनों ने जब विश्वासघात किया
तब उसने लिखा, जब जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थिति से वो गुजरा, तब परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने उन पांचों पुस्तकों को लिख दिया जिसको हम और आप पढ़ते हैं, जो पेंटाटूक कहलाती है। दाऊद ने भजन संहिता का अधिकांश भाग तब लिखा जब वो राजा शाऊल के द्वारा सताया जा रहा था, दर दर जंगलों में नगरों में भटक रहा था, छिपता फिर रहा था। जब राजा शाऊल उसका पीछा कर रहा था और वो अपनी जान को बचाने में लगा हुआ था, तब उसके अपने लोग उसके विरोधी हो गए थे और उसे मार डालना चाहते थे। उस समय दाऊद ने भजन लिखा जो आज हम और आप पढ़ते। यशाया ने कब लिखा? उसने सारी पीड़ाओं के बाद में लिखा, जो उसे मालूम था कि कभी भी उसकी हत्या कर दी जाएगी, और लिखते लिखते यशाया की हत्या कर दी गई। यहेजकेल ने कब लिखा? जब उसे काले पानी की सजा में भेज दिया गया और उसे एकांतवास में वहां रहकर वो लिखता है। पढ़िए इतिहास इन लोगों का। पत्रस ने अपनी दोनों पत्रियां हत्यारों के बीच में रहकर लिखी। पत्रस नहीं जानता था कि कल क्या होने वाला है। उस परिस्थिति में रहकर पत्रस ने उन दो पत्रियों को लिखा और दूसरी पत्री लिखने के बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। पौलुस ने कहां पर पत्रियों को लिखा? अपनी अधिकांश पत्रियों में पौलुस ने कैद खाने में जेल में रहकर लिखा, जहां उसको मालूम नहीं था कि कब उसके जीवन का अंत हो जाएगा। अनिश्चित भविष्य उसके सामने दिख रहा था, नकारात्मक लोग उसके सामने थे, शारीरिक रूप से पौलुस टूट चुका था। उन परिस्थितियों में रोमी साम्राज्य के कैद में रहकर जेल में रहकर उसने अधिकांश पत्रियां लिखी। जो बात है वो ये कि प्रभु यीशु कहते हैं कि जब हमें लगे कि हम अपने जीवन के समापन पर हैं या अंतिम पड़ाव पर हैं, जब हम निराशा के गर्त में के पास हैं, जब हम सहनशीलता के समापन के पास हैं, तो मैं तुम्हारे साथ। जीवन के अंत तक, संसार के अंत तक, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं भी उस अग्नि से गुजरा हूं, मैं भी उस पीड़ा से गुजरा हूं, मैं भी अपने लोगों के तिरस्कारों से, विश्वासघातों से, तूफानों से गुजरा हूं, और मैंने तुम्हारी खातिर मृत्यु भी स्वीकार कर ली। मैं तुम्हारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दर्द को जानता पहचानता हूं, क्योंकि मैंने भी भोगा, इस संसार में भोगा। मैं मृत्यु पर विजय हुआ हूं, और इसलिए एक दिन मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से तुम्हें अपने पास उठा लूंगा, और तुम मेरी निकटता में रहोगे। जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। जीवन की यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम अग्नि में से होकर जाओ और चाहे मृत्यु की छाया में से होकर, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ। इसराइलियों ने एक बड़ी गलती कर दी थी। एक दो गलतियां मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज हम मसीह हर बात में वो परमेश्वर पे दोष लगाते थे और कुड़कुड़ाते थे। आज का मसीह भी, विश्वासी भी यही कर रहा है, चर्च जाता है, सारी चीजें करता है, फिर भी परमेश्वर को दोष लगाता है, कुड़कुड़ाता और बुड़बुड़ाता है। दूसरा,
उन्होंने परमेश्वर से कहा था कि हमें संसारिक राजा दे, और तब परमेश्वर उनकी खुद अगुवाई करता था, खुद उन्हें मिस्र से निकाल ले आया था, 10 आश्चर्य कर्म किए थे, लाल समंदर को भी दो फाड़ कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने राजा की डिमांड कर दी, उन्होंने परमेश्वर को अलग कर दिया, मुझे आत्मिक जीव नहीं चाहिए, मुझे जीवित परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे भी अन्य जातियों की तरह एक संसारिक राजा चाहिए। परमेश्वर उदास हो गया, निराश हो गया, और उसने उन्हें एक संसारिक राजा शाऊल दिया, और शाऊल का अंत क्या हुआ, उसमें दुष्ट आत्मा घुस गई। प्रियो, जो मैं यहां कहना चाह रहा हूं, और तीसरी गलती, वो खाने को लेकर कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते थे, जैसे आज के लोग मसीही लोग कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते। उन्हें अपने जीवित परमेश्वर पर इसराइलियों को विश्वास नहीं था, आज हमें भी अपने यीशु पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, नाना प्रकार की राजनीति करते हैं, नाना प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं, इसको गिराते हैं, उसको उठाते हैं, इसको बेचते हैं, उसको खरीदते हैं, इधर उड़ जाते हैं, उधर गिर जाते हैं, बस हम इसी में लगे हुए, हमारा आत्मिक जीवन कब संवरेगा, कब हमारा जीवन परमेश्वर पिता के योग्य होगा, कब हमारी कलीसिया दुल्हन की तरह सजेगी कि प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हा है वो हमें लेने आए। आज जो इस संसार में कड़वा सच बता रहा हूं, आज प्रभु यीशु मसीह आने से ठहर रहा है तो हम मसीहों की वजह से, क्योंकि हम डरपोक हो गए हैं, हम सुसमाचार नहीं सुना रहे, जो कोने कोने तक जाए हम गवाही नहीं दे रहे, हम विश्वास में स्थिर नहीं है, और हम में विश्वास ही नहीं। और मैं अंत में अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, एक पद्मस टापू है जो अकेलेपन, निराशा, समापन और पीड़ाओं का प्रतीक है, और दूसरा स्थान जो पद्मस टापू है, जाओ हम शारीरिक जीवन में निर्णय लेने का, हमारे संबंधों का है। वो कहता है कि मैं आत्मा से भर गया, यूहन्ना कहता है, और हम अपने पद्मस टापू में क्या कर रहे हैं? उस पद्मस टापू ने यूहन्ना की पीड़ा को, और उसकी पीड़ा ने उसके विश्वास को और उसके व्यवहार को प्रभावित नहीं किया। उसमें क्रोध की भावना नहीं आई, उसमें जलन की भावना नहीं आई, उसमें कुड़कुड़ाने की भावना नहीं आई, उसमें राजनीति नहीं आई, उसमें दोषारोपण की भावना नहीं आई, क्योंकि उसकी दृष्टि यीशु पर लगी। जब तक पतरस पानी पर चलता रहा, जब तक उसकी निगाहें प्रभु यीशु मसीह, और जैसे ही उसने संसार की तरफ दृष्टि की, वो डूबने लगा। अपनी पुस्तक 37वें अध्याय यहेजकेल कहता, मैं इस तराई में खड़ा हूं, ये सूखी हड्डियों की तराई है, यहां क्या हो सकता है, ये हड्डियां बहुत सूख गई हैं, इनमें कोई संभावना नहीं है, केवल दुर्गंध और सड़न ही सड़न है, परमेश्वर तूने इन हड्डियों के बीच में लाकर मुझको खड़ा कर दिया है, क्या होगा, क्या करूं मैं? तब लिखा है कि उन हड्डियों की सड़ान के भी परमेश्वर का आत्मा उन हड्डियों में समा गया। कहता है परमेश्वर, भविष्यवाणी कर, और फिर उनमें परमेश्वर के लिए एक प्रभावशाली सशक्त सेना तैयार हो गई। परमेश्वर इन मुर्दों और सूखी हड्डियों में अपना आत्मा समाता है, और उन्हें जिंदगी की चितौनियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। वही परमेश्वर मेरा और आपका जीवित और सच्चा परमेश्वर है। बस वो इंतजार कर रहा है हमारे और आपके पद्मस टापू जीवन के निर्णय पर। हमारे लिए
निर्णय है। क्या हम पद्मज टापू में पड़े रहेंगे और बस उसी मानसिकता में जीते रहेंगे, या हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे? जहां अभी भी प्रोत्साहन है, जहां अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां अभी भी उसकी सामर्थ है, जहां अभी भी विजय की निश्चितता है, जहां अभी भी अनंत जीवन का द्वार हमारे और आपके लिए खुला है, निर्णय हमें करना है कि हम अपने इस पद्मज टापू जीवन में क्या निर्णय ले रहे हैं। पद्मज टापू में रहेंगे या आत्मा से भरकर परमेश्वर की निकटता में रहेंगे? प्रियो, ये परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। उसने मुझे और आपको जीवन दिया, मसीही जीवन लग्जरियस जीवन नहीं है, क्रूज उठाने का जीवन है, विश्वास का जीवन है, सहने सताव का जीवन है, सहायता करने का जीवन है, पवित्र जीवन जीने का जीवन है, कठिन जीवन है, सकरा मार्ग, थोड़े लोग चलते उनमें से हमारी और आपकी भी गिनती होगी यदि हम ऐसा करेंगे। प्रियो, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जब आप परेशानी में पड़े, दुख दर्द में, या आपके यहाँ मौत हो जाए, या आपकी प्रार्थना का उत्तर ना में हो, आप घबराए नहीं, आप उस पद्मज टापू में हैं, परमेश्वर की आत्मा से भर जाइए, सामर्थ से भर जाइए, ताकि वो आपको अपना दर्शन दे और आपको आशीषित करे। मेरा अगला संदेश होगा, इस मुरना की कलीसिया को यीशु मसीह का संदेश। अब आपको तब समझ में आएगा जो मैं अगला प्रचार करूंगा, क्योंकि पद्मज टापू क्या होता है आपने सीख लिया है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वरकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम अपने जीवन के पद्मज टापू में निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो दोषारोपण करने लगते हैं, पूछने लगते हैं, क्या इस संसार में केवल मैं ही हूं जो ऐसी घटनाएं घट रही हैं? लेकिन प्रभु जी, उस दर्द और निराशा के बीच में तू हम सबों को अपनी आत्मा से भर दे, अपने दर्शन से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, ताकि प्रभु जी हम तेरे उस अनंत सामर्थ को, उस आनंद को, उस स्वर्गीय आनंद को देख सके जो तूने हमारे लिए अनंत जीवन के रूप में रखा है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि प्रभु जी हम ऑनलाइन जुड़ सके, भाई अनुपम डेविड और उनके परिवार, हमारे और हमारे परिवार और हम लोगों की सेवकाई पर आपकी आशीष का हाथ हो। जितने भी प्रभु जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप सबों को आशीषित करें। जो भी वचन का बीज बोया गया है, वो उनके हृदयों में अंकुरित हो, वो कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, बल्कि तेरा धन्यवाद करे, तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, तेरी सामर्थ्य से बढ़ जाए और तुझसे भी बड़े बड़े काम करे। जब आपकी कलीसिया में कल जाएंगे प्रभु जी, हम तेरी आराधना स्तुति करें हमारे सारे कामों को छोड़कर, क्योंकि तूने आज्ञा दी है प्रभु जी, हम उस आज्ञा का पालन करें। ओ प्रभु जी, ये शरीर हमारा है, एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन प्रभु जी जो आत्मा वो अमर है। ओ प्रभु जी, तूने उसके लिए प्रभु जी प्राण बहाया ताकि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। बाइबल भी कहती है प्रभु जी हम उससे न डरे जो हमारे शरीर को नाश करता है, बल्कि हम उससे डरे जो हमारे शरीर और आत्मा को नाश करता है। प्रभु जी अपना प्रेम, अपना भय हमारे जीवन में डाल दे, ताकि प्रभु जी हम तेरी महिमा का कारण ठहरे। हमारे लोगों को आशीषित करना, जो लोग सताए जा रहे हैं, परेशान है, जेल खानों में है, जमानत नहीं हो रही है, नाना प्रकार से सताव है, चाहे तोड़े जा रहे हैं, नाना प्रकार से लोगों को बंद किया जा रहा है, प्रभु जी अपनी आत्मा उनमें समा दे, दर्शन समा दे, ताकि प्रभु जी तेरे आश्चर्य कर्म को और तेरी सामर्थ को देख सके और दुगनी सामर्थ के साथ तेरी महिमा। प्रभु जी कल की आराधना के लिए तैयार कर, जो भी गलतियां हुई हैं, पाप हुए, क्षमा कर। जब हम अगले उसमें मिलते हैं,
हम सबों को तैयार करके, हम डरते और कांपते हुए जो हम कलीसियाओं के बारे में सीख रहे हैं, प्रभु जी अपनी कलीसिया का आकलन करें और उस कलीसिया के एक सदस्य हम भी हैं और उस योग बनाए ये जीवन जो तुझे ग्रहण योग। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु कृष्ण के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और जितने भी ऑनलाइन हैं, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष।